वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट गाइस, हमने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें हम पंजाब के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है हम वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ अमन ओलक। हमारा जो आज का पेपर रहेगा वो रहेगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, जो चंडीगढ़ क्लर्क का पेपर हुआ था उसका पार्ट टू। पार्ट वन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है वो मेरा वीडियो का पार्ट वन जरूर देख लें। यदि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है er.olakhaman88@gmail.com। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बालाजी एजुकेशन पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो डेट्रॉइट सिटी है ये USA के अंदर एक लार्जेस्ट सिटी है, ये किस उद्योग के लिए फेमस है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑटोमोबाइल। द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज इन, विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क किस देश का है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा है। यदि हम रेलवे नेटवर्क की बात करें तो उसमें USA नंबर वन पर है रेलवे नेटवर्क में, ये भी हमें याद रखना है। यदि हम रेलवे नेटवर्क में सेकंड रैंक की बात करें तो सेकंड रैंक चाइना का आता है रेलवे नेटवर्क में, थर्ड रैंक आता है रशिया का। रेलवे नेटवर्क में इंडिया का फोर्थ रैंक है, फोर्थ रैंक इन रेलवे नेटवर्क, ये भी हमें याद रखना है। और पोस्टल नेटवर्क में इंडिया का फर्स्ट रैंक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। द शेप ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, स्पर्ल। हमारी आकाशगंगा की शेप स्पर्ल है। स्टैंडर्ड क्रिकेट बैट्स आर मेड ऑफ, जो बैट्समैन बैट यूज करते हैं वो किस लकड़ी के बने होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विलो वुड। आपको मैं विलो के पेड़ों के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। विलो की पेड़ की छाल से एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम है सेलिसिन। यह सेलिसिन कई दवाइयों में यूज होता है। आपने एक फेमस दवाई का नाम सुना होगा एसीप्रिन, उसमें भी यह यूज होता है, ये भी आपने याद रखना है एसीप्रिन में। गाइस, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी गेम को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पोलो। लास्ट टाइम पोलो 1936 में खेली गई थी, यह ओलंपिक्स हुए थे बर्लिन में। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। गाइस, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि इंडिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अप्सरा। ईयर था 1956। दी फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड मेडिसिन, फोर्थ इकोनॉमिक्स, फिफ्थ लिटरेचर, सिक्स पीस। इन 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, इनको लिटरेचर का मिला था नोबेल प्राइज, ये भी हमें याद रखना है। सीवी रमन को 1930 में मिला था, 1930 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था।
अमृता सेन को 1998 में मिला था। नोबल प्राइज अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। यह हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। इस क्वेश्चन में गाइस वो पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 12 अगस्त। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में एक 12 जनवरी भी दिया गया है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, ये हमें याद रखना है। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया और 1985 से यह दिन हर साल नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं वो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ईयर लिखा हुआ है और आंसर लगा देते हैं टाइम, जो कि बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी डिस्टेंस। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए लाइट ईयर यूज होता है, ये आपने याद रखना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपने संगरूर से पटियाला ट्रैवल किया, संगरूर से पटियाला, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आपने कितना डिस्टेंस तय किया, तो आप उसको ना तो सेंटीमीटर में बताओगे ना उसको फुट में बताओगे, आप उसको किलोमीटर में बताओगे कि आज मैं 56 किलोमीटर दूरी तय की। इसी तरह जो यूनिवर्स की दूरियां होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन्हें हम किलोमीटर में डिनोट नहीं कर सकते, इसके लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं, ये हमें याद रखना है। फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्टडी को फिलोलॉजी कहते हैं। हु इज आल्सो नोन एज फ्यूरर, फ्यूरर एक जर्मनी का शब्द है जिसका मीनिंग होता है लीडर, मींस नेता। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। एडोल्फ हिटलर को ही फ्यूरर के नाम से जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, ये भी हमें याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी मेकैफ, ये भी हमें याद रखनी है, जिसे हिंदी में आप कहते हैं मेरा संघर्ष। गाइस इस क्वेश्चन में वे पूछ रहे हैं कि कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7, 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में, ये भी हमें याद रखना है। 9 प्लेयर होते हैं खो खो में और बेसबॉल में, 15 प्लेयर होते हैं रग्बी फुटबॉल में, रग्बी फुटबॉल, ये भी हमें याद रखना है। वेयर इज मक्का, मक्का मुस्लिम लोगों का एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था, ये भी हमें याद रखना है, यह सऊदी अरब में। गाइस इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आइलैंड होता क्या है। आइलैंड एक ऐसा लैंडमास होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, यह एरिया वाइज सबसे बड़ा आइलैंड है, ये भी हमें याद रखना है। यदि हमसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो उसका आंसर आएगा जावा। जावा इंडोनेशिया का हिस्सा है। इंडोनेशिया विश्व की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ये भी हमें याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये हमें याद रखना है।
ऑप्शन में एक दादाभाई नौरोजी दिया गया है। इनके बारे में आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह बुक आपको याद रखनी है, यह पेपर में बहुत बार पूछी गई है। दादाभाई नौरोजी INC के सेकंड प्रेसिडेंट थे। एक फैक्ट में आपको लाला लाजपत राय के बारे में बताता हूँ। जो एक मशहूर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उनके फाउंडिंग मेंबर में थे लाला लाजपत राय एक थे, ये भी हमें याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य, इनका एक स्लोगन बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव मनाया जाता है वो इन्होंने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी हमें याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़, यह राजस्थान स्टेट में है। पेपर में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था, यह राणा कुंभा ने बनवाया था, राणा कुंभा, ये भी हमें याद रखना है। राणा कुंभा ने 1448 में इसको बनवाया था, 1448। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। इस क्वेश्चन में गाइस वो पूछ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 जून। 5 जून को ही विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, एड्स डे। 14 नवंबर को भारत में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, ये हमें याद रखना है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। विच इज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से किसको जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरिया को ही लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं कब बना था। यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशंस की रिप्लेसमेंट है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशंस जब बना था तब इसकी 51 मेंबर्स कंट्री थी, जिसकी संख्या बढ़कर 193 हो गई है। इसकी जो लेटेस्ट मेंबर कंट्री है वह है साउथ सूडान, जो 2011 में इसकी मेंबर कंट्री बनी थी। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वह है पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अंटोनियो ग्यूटर्स, ये भी हमें याद रखना है। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे। इबन बतूता एक मोरक्को ट्रैवलर थे, यह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, ये हमें याद रखना है। ऑप्शन में ग्यासुद्दीन तुगलक दिया गया है। ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के एक महान सम्राट थे। शेरशाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक थे। पेपर में पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी की टोम कहाँ है, मीन्स इनका मकबरा कहाँ है। इनका मकबरा है सासाराम, सासाराम, यह बिहार में है, ये भी हमें याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा अनपढ़ राजा के नाम से जाना जाता है, पढ़ा लिखा अनपढ़। नोबल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन, नोबल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है। नोबल प्राइज एक इंटरनेशनल प्राइज है। नोबल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस। पीस का नोबल प्राइज ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है, ये भी हमें याद रखना है। बाकी की जो 5 कैटेगरीज का इनाम है वो दिया जाता है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम। ऑप्शन में द हेग दिया गया है।
द हेग में द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है, ये भी हमें याद रखना है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेयर लाइज हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, पहले तो हमें सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यह एक दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ये भी हमें याद रखना है। इसकी 8 मेंबर कंट्रीज हैं जिनका नाम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। ए स्टार विच अपियर्स ब्लूइज, स्टार का जो रेडिश कलर है वो डिनोट करता है कि वो कूल है, जो ब्लू कलर है वो शो करता है कि वो हॉट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉटर देन द सन। जो स्टार हमें ब्लू कलर के दिखाई देते हैं वो सूर्य से भी ज़्यादा गर्म होते हैं। दी फर्स्ट एशियन लेडी स्विमर टू हैव क्रॉस द इंग्लिश चैनल वाज, गाइस इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पहली एशियाई महिला जिसने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया था। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल है क्या। इंग्लिश चैनल एक ऐसी वाटर बॉडी है जो सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से अलग करती है, नॉर्दर्न फ्रांस। इस वाटर बॉडी की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। इस वाटर बॉडी की जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। इस इंग्लिश चैनल को तैरकर क्रॉस करने वाली पहली भारतीय महिला थी आरती साहा। आरती साहा ने 1959 को इंग्लिश चैनल को पार किया था। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, तो इसका आंसर है निहीर सेन। निहीर सेन ने 1958 को इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। मिहिर सेन से प्रभावित होकर ही आरती साह ने अगले ही साल 1959 में इंग्लिश चैनल को पार किया था। इंडिया हाउस इज लोकेटेड इन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, लंदन। इंडिया हाउस लंदन में बना हुआ है। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं वो देखते हैं कि इंडियन नाम है इंडिया हाउस और ऑप्शन में देखते हैं न्यू दिल्ली कोलकाता और आंसर इन दोनों में से एक लगा देते हैं, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लंदन। इंडिया हाउस 1905 में बना था, ये भी हमें याद रखना है। किसने बनाया था इसको, बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समंड बाय, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हाउस ऑफ पीपल क्या है। हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा। ज्वाइंट सीटिंग का जो आर्टिकल है 108। ज्वाइंट सीटिंग होती क्यों है, मानकर चलो किसी बिल पर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद चल रहा है, बिल एक हाउस से दूसरे हाउस में जा रहा है और दूसरे हाउस से पहले हाउस में वापिस आ रहा है, पर उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, उसका कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रपति मींस प्रेसिडेंट सम्मन करके एक ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है, द प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सीटिंग को सम्मन कौन करता है, मींस उसको बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, बट उसको प्रेजाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी हमें याद रखना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द विटामिन B2, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन विटामिन B2 का अदर नेम है। ऑप्शन में थाइमाइन दिया गया है, यह विटामिन B1 का अदर नेम है। बछेंद्री पाल इज ए वेल नोन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माउंटेनियर। बछेंद्री पाल भारतीय पर्वतारोही थी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी हमें याद रखना है।
इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। मंत्रिपरिषद में तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड स्टेट मिनिस्टर, थर्ड डिप्टी मिनिस्टर्स। इन तीनों से मिलकर ही मंत्रिपरिषद बनता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका फीडबैक मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।